आपने हॉलीवुड की एक्शन फिल्में तो देखी ही होंगी जिसमें स्नाइपर्स होते हैं और बहुत दूर से सटीक निशाना लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्नाइपर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना कैसे लगाते हैं? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और मैं आज बात करूंगा स्नाइपर्स इतनी दूरी से सटीक निशाना कैसे लगाते हैं। कनाडा की स्पेशल फोर्स के एक स्नाइपर ने जून 2017 में सबसे ज्यादा दूरी से दुश्मन को मार गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस सैनिक ने इसराइल में इस्लामिक स्टेट के एक चरमपंथी पर 3,540 मीटर की दूरी से गोली चलाई थी, यानी करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी से। इससे पिछला रिकॉर्ड ब्रिटिश स्नाइपर क्रेग हैरिसन के नाम था। हैरिसन ने साल 2009 में अफगानिस्तान में 2,475 मीटर से एक तालिबानी लड़ाके को मार गिराया था, यानी करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी से। कनाडा की आर्म्ड फोर्स के पास लंबी दूरी से दुश्मन को मार गिराने की टॉप 5 में से 3 रिकॉर्ड हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कोई 3 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी से दुश्मन पर अचूक निशाना कैसे लगा सकता है। कनाडा के जिस सैनिक ने इस्लामिक स्टेट के आतंकी पर गोली चलाई थी, उसने ऊंचाई वाली जगह से मैकमिलन टैक 50 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया था। इस राइफल के बनाने वालों का कहना है कि इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 1800 मीटर है, यानी कनाडा के स्नाइपर ने राइफल की क्षमता से दोगुनी दूरी से सही निशाना लगाया। गोली 792 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जो कि बोइंग 747 जैसे कमर्शियल जेट की रफ्तार से भी तेज है। गोली को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लगा। यूएस नेवी सील्स, फ्रेंच नेवी कमांडो के साथ साथ तुर्की, जॉर्जिया, दक्षिण अफ्रीका, जॉर्डन, इसराइल और फिलीपींस के विशेष बल भी इसी राइफल यानी कि MK-15 को इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश, जर्मन और आयरिश सेनाएं आमतौर पर एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वॉरफेयर सीरीज की स्नाइपर राइफल इस्तेमाल करती हैं। यूएस मरीन कॉर्प्स M-40 का इस्तेमाल करते हैं। स्नाइपर की कामयाबी में उसके साथी या स्पॉटर का अहम योगदान रहता है। स्पॉटर का काम स्नाइपर को यह बताना है कि लक्ष्य कहाँ है और परिस्थितियाँ कैसी हैं। स्पॉटर दूरबीन की मदद से लक्ष्य का चुनाव करता है और स्नाइपर अपनी राइफल पर लगे स्कोप से दुश्मन पर निशाना साधता है। कई बार स्नाइपर और स्पॉटर उस इलाके के नज़दीक होते हैं जहां लड़ाई चल रही होती है। वे अपने हथियार खुद ले जाते हैं और दुश्मन के इंतजार में घंटों तक छिपे रहते हैं। अगर कोई शॉट मिस हो जाता है तो स्पॉटर तुरंत हालात को भांप लेता है और स्नाइपर को रीलोड करके निशाना लगाने या मिशन रोकने के लिए कहता है। स्पॉटर तेज गति से जाने वाली गोली के पीछे हवा में भाप के सघनन से बनने वाले निशान पर नजर रखता है और भारी भरकम किट को उठाने में मदद करता है। सही निशाना लगाने में हवा की गति और मौसम की अन्य परिस्थितियां भी बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत सारी टीमें सबसे अनुभवी स्नाइपर को ही स्पॉटर बनाती हैं ताकि वह हवा की गति, दूरी, इलाके की संरचना, गर्मी और निशाने को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों का ठीक तरीके से आकलन कर सके। इसके बाद स्नाइपर का काम शुरू होता है। वह पोजीशन लेता है, अपनी सांस थामता है, दूरी का अंदाजा लगाता है, अस्त्र विज्ञान का ध्यान रखता है, स्पॉटर की सलाह पर गौर करता है और फिर फायर करता है। कनाडा की स्पेशल फोर्स के जिस स्नाइपर ने सबसे ज्यादा दूरी से लक्ष्य भेदा, उसे पृथ्वी की सतह की गोलाई का भी ध्यान रखना पड़ा क्योंकि वह बहुत दूर था। उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि दूरी के साथ गोली की ऊंचाई भी घटेगी क्योंकि वह एक इमारत के ऊंचे हिस्से से गोली चला रहा था। स्नाइपर्स पर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो भी लिखिए, बुरा लगा तो भी लिखिए, कुछ खास जानना चाहते हैं तो भी लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।